गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली 1.1 के दो सवाल कर चुके थे, तीसरा सवाल देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, किसी परेड में छः सौ सोलह सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को बत्तीस सदस्य वाली एक आर्मी बैंड में एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यहाँ से लेकर के और इसमें अपन को ज्ञात करना है स्तंभों की अधिकतम संख्या। ये हमें इसमें ज्ञात करना है। देखो विद्यार्थियों, एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो अपन को ये बताना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिसमें वो मार्च कर सकें। तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, यदि प्रश्न में अधिकतम शब्द दिया हो, अधिकतम हो या बड़ी से बड़ी संख्या दी गई हो, तो आपको मैं से निकालना होता है। बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो प्रश्न में या अधिक से अधिक संख्या निकालनी हो अपन को, तो हमेशा मैं से निकालना है। और यदि प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या अधिकतम की जगह या छोटी से छोटी संख्या दे रखी हो, तो आपको ल से निकाल। तो आप कैसे करेंगे, देखो चूंकि कुल सदस्य बराबर में है 616 और सदस्य इसमें रखने हैं, एक समूह में सदस्य रखने हैं, एक समूह में सदस्य बराबर 32 रखने हैं, तो अपन को अधिकतम संख्या बतानी है। तो यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए छः सौ सोलह कोमा बत्तीस का SCF या मैसे ज्ञात करेंगे। तो मैसे ज्ञात करेंगे तो 616 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, 616 में 32 का भाग देंगे, ये 32 एकम 32 और 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, ये 6। अब 9 बार देंगे भाग, 9 दूनी 18, 9 तीय 27 और 1 28, 8 शेषफल बच गए। अब 8 का भाग देंगे 32 में, 4 बार चला गया ये पूरा। तो चूंकि भाजक 8 से शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए मैसे या SCF बराबर हमें 8 आ गया, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या आ गई, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर में 8। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे इतना ही है कि जब भी आपको प्रश्न को देखना है, प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है और प्रश्न में से दो शब्दों का चुनाव करना है, एक तो अधिकतम, एक शब्द तो अधिकतम मिलेगा आपको या बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी, बड़ी से बड़ी,
और एक आपको छोटी से छोटी यह लघुत्तम। तो इसमें आपको मैसे की गणना करनी है और ऐसे सवालों में आपको लैसे की गणना करनी है। ये दो चीज़ ध्यान रखेंगे प्रश्न में से। अगर प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या दी गई है तो आप जो भी संख्याएं दे रखी है उनका मैसे ज्ञात करेंगे, और यदि प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या दे रखी है तो उनका लैसे ज्ञात करेंगे। इस तरीके से अधिकतम स्तंभ जो बनेंगे वहाँ आठ बनेंगे। अब आप अगला प्रश्न देखेंगे इसका। अगला प्रश्न नंबर चार देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर चार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग तीन एम या तीन एम प्लस एक के रूप में होता है ये हमें दर्शाना है। इसमें क्या दर्शाना है, एक बार प्रश्न को दोबारा सुनिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमें यह दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है तीन एम या तीन एम प्लस एक के रूप में होता है। कैसे दर्शाएंगे वो देखिए हल में। सबसे पहले तो आप माना वह धनात्मक पूर्णांक बराबर में a, आप उस पूर्णांक को a के बराबर मान लेंगे। किसको ये कहना दर्शाइए कि किसी की जगह, तो किसी की जगह हमने मान लिया माना वह धनात्मक पूर्णांक a है। अब यहाँ b बराबर में, ये जो यहाँ तीन लिखा हुआ है ये b बराबर में है तीन, तो यहाँ b बराबर तीन इसलिए r के संभावित मान मैंने आपको जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताया था तब बताया था कि जब दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार हों कि एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से बड़ा हो तो a को b से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होते हैं, जिसमें जो शेषफल r का मान होता है वो हमेशा ये भाजक b, और इस भाजक b से जितने भी छोटे मान होते हैं वे उसके संभावित मान हो सकते हैं। तो r बराबर तीन से छोटी संख्या होगी 0, 1, 2, तो ये r के संभावित मान हो गए। r बराबर हो गया 0, 1 और 2, यानी शेषफल या तो 0 बच सकता है या शेषफल 1 बचेगा या शेषफल 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर में b क्यू प्लस r। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारा सूत्र होता है a बराबर में b क्यू प्लस r। अब इसमें अपन को r बराबर तो 0, 1 और 2 रखने हैं तथा b बराबर 3 व q बराबर m लेना है। तो अब यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 0 पहला मान रखेंगे, तो ये आ जाएगा a बराबर में 3 और ये आ जाएगा b, ये q की जगह q और r का मान रखा 0, तो ये आ गया a बराबर में 3 q।
और इसको समीकरण नंबर एक दे दिया। आर बराबर एक रखेंगे ये आ जाएगा ए बराबर में तीन क्यू प्लस एक, और ये समीकरण नंबर दो दे दिया। और जब आर बराबर में हम दो रखेंगे तो ए बराबर में आ जाएगा तीन क्यू प्लस दो। तो ये हमारे तीन रूप आ गए पूर्णांक के। जब r बराबर जीरो होगा तो पूर्णांक a बराबर तीन क्यू के रूप में होगा, और जब r बराबर एक होगा तो a बराबर तीन क्यू प्लस एक के रूप में होगा, और जब r बराबर दो होगा तो a बराबर तीन क्यू प्लस दो के रूप में होगा। तो पुनः देखिए एक बार, सबसे पहले तो उस धनात्मक पूर्णांक को हम a के बराबर मान लेंगे, x के बराबर भी मान सकते हैं। अब यहाँ जो या तो Q हो या M हो, आपको दो चीज़ मिलेगी यहाँ पे, यहाँ तो Q मिलेगा या M मिलेगा। तो आपको जो भी इनके आगे संख्या लिखी हुई है वो B का मान होता है, तो B बराबर तीन हो गया। B बराबर तीन हो गया तो R के मान यानी शेषफल के जो मान होंगे जीरो एक और दो होंगे, क्योंकि शेषफल तीन कभी बच नहीं सकता। जब हम किसी भी संख्या में तीन का भाग देंगे तो तीन शेषफल कभी नहीं बच सकता। शेषफल जो बचेगा इससे छोटी संख्याएँ बचेंगी, या तो जीरो बचेगा या एक बचेगा या दो बचेगा। अब हमने जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का संबंध पढ़ा है वो संबंध पढ़ा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें आर के तो ये तीन मान रखने हैं अपन को, और बी बराबर इसमें तीन रखना है। तो जब हमने आर का मान पहला रखा जीरो, तो हमें पूर्णांक आ गया ए बराबर तीन क्यू के रूप में, और जब आर बराबर एक रखा तो पूर्णांक ए बराबर तीन क्यू प्लस एक के रूप में आ गया। फिर आर बराबर दो रखा तो पूर्णांक ए बराबर तीन क्यू प्लस दो के रूप में आ गया। तो ये तो हमारे पूर्णांक आ गई। अब हमसे प्रश्न में ये कह रहा है कि इन पूर्णांकों का जो वर्ग है, इन पूर्णांकों का यानी तीनों पूर्णांकों का जो वर्ग है वो वर्ग जो है वो 3m अथवा 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ये हमें इसमें दर्शाना है। तो अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे वो देखिए। अब यहां से देखिए, अब यहां लिखेंगे समीकरण एक का वर्ग करने पर, समीकरण एक का वर्ग करने पर, समीकरण एक का वर्ग करेंगे। अब समीकरण एक है ये रहा हमारा, तो एक का वर्ग करेंगे और इधर से तीन क्यू का वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर तीन क्यू का वर्ग हो गया नौ क्यू स्क्वायर। अब इस वर्ग को हमें तीन से विभाजित करना है, और जो भागफल बचेगा वो एम के बराबर आएगा, या तो ए स्क्वायर बराबर में यहाँ से तीन से विभाजित करेंगे तो तीन कॉमन लेंगे। अब तीन का भाग इसमें दिया तो ये आ गया तीन क्यू स्क्वायर। तो ये भागफल है हमारा, ये जो संख्या है वो है भागफल, और क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया है इसमें, तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर में तीन, और ये भागफल जो है वो एम के बराबर दिया इसने। ये देखो कि क्यू की जगह एम का प्रयोग किया, भागफल की जगह तो आपको एम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ समीकरण नंबर चार दे देंगे और इधर लिखेंगे चूँकि तीन क्यू स्क्वायर बराबर में एम लिखेंगे। इस तरीके से आपको करना क्या है कि सबसे पहले समीकरण एक का वर्ग करना है बेटा। समीकरण एक है हमारा ए बराबर में तीन क्यू, तो ए बराबर तीन क्यू का वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग बराबर तीन क्यू का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया नौ क्यू स्क्वायर। हम नौ क्यू स्क्वायर में से हमें तीन से इसको विभाजित करना है, क्यू विभाजित करना है, हमारे भाजक बी का मान तीन है इसमें, तो तीन कॉमन निकालेंगे ये बच गया तीन क्यू स्क्वायर। ये तो भाजक और ये भागफल आ गया, तो भागफल को इसने हमसे m के रूप में लिखने के लिए कहा है, तो यहाँ m लिखेंगे भागफल की जगह, तो ए स्क्वायर बराबर तीन एम आ गया, ये समीकरण नंबर चार आ गया। अब हम समीकरण नंबर दो का वर्ग करेंगे, समीकरण दो का वर्ग करने पर, समीकरण दो का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर तीन क्यू प्लस एक का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के स्क्वायर से खोलेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से खोलेंगे तो ये आ गया ए स्क्वायर बराबर में नौ क्यू स्क्वायर प्लस दो तीन छः क्यू और एक का वर्ग हो गया एक। अब इन दोनों पदों में से हमें तीन कॉमन निकालना है, तो ए स्क्वायर बराबर तीन, ये आ गया तीन क्यू स्क्वायर प्लस दो क्यू और प्लस में एक। अब ये जो हमारा है भागफल है, तो ए स्क्वायर बराबर तीन, इसकी जगह हम एम लिखेंगे, तो ये हो गया तीन एम और ये प्लस का एक, और ये समीकरण नंबर पाँच, और यहाँ लिख देंगे चूँकि तीन क्यू स्क्वायर प्लस दो क्यू और ये एम के बराबर में है।
तो हमने देखा समीकरण एक का जब वर्ग किया पूर्णांक का वर्ग, और पूर्णांक के वर्ग को जब तीन से विभाजित किया तो वो ए स्क्वायर बराबर 3m के रूप में आ गया, यानी पहला हमें रूट प्राप्त हो गया 3m के रूप में। और जब हमने समीकरण दो का वर्ग किया तो हमें पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हो गया। तो हमें यही दर्शाना था कि इन पूर्णांकों का जो वर्ग है वो या तो 3m के रूप में होता है अथवा 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो कैसे हमें इसको लिखना है वो देखेंगे अब आप। अब लिखेंगे समीकरण चार व पांच से स्पष्ट है कि समीकरण चार व पांच से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। आप दो समीकरणों का उपयोग करके ही इसको दर्शा सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर आपने समीकरण तीन का उपयोग तो किया ही नहीं, तो आपको तो यहाँ तक करना है। अगर आप समीकरण तीन का उपयोग करते तो कैसे उसका उपयोग करते वो देखेंगे अब हम। ये आपको केवल सवाल को तो यहाँ तक ही करना है। यदि आपको समीकरण तीन का उपयोग करना होता तो समीकरण एक था, तीन था हमारा, ए बराबर में 3q+2। अब आपको इसका वर्ग करना होता है, ये समीकरण तीन था आपका। अब समीकरण तीन का यदि आप वर्ग करें तो समीकरण तीन का वर्ग करने पर समीकरण तीन का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में 3q+2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q गुणा 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस का 3 × 6 = 12q और प्लस में 2 का वर्ग हो गया 4। तो ए स्क्वायर बराबर इन दोनों में से 3 कॉमन निकालेंगे तो ये बच गया 3q² प्लस में 4q और प्लस में 4। अब ये भागफल है हमारा, तो ये भागफल m के रूप में होता है। तो 3 या इसको और आगे देख लीजिए आप, 9q² प्लस 12q और इस 4 को अपन लिख सकते हैं 3+1 के रूप में। 4 के टुकड़े कर दिए हमने 3+1 के रूप में। अब इन तीनों में से 3 कॉमन निकाल दीजिए 3, तो ये बचेगा 3q² प्लस 4q+1 और ये प्लस का 1 बच गया। अब ये हमारा पूरा भागफल है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 और इसकी जगह लिखेंगे m और ये प्लस 1 और ये समीकरण 6 बनता है यदि आप इसको लेते थे। तो यहाँ आपको 3m प्लस 1 के रूप में है जो हमें यहाँ प्राप्त हो चुका था। तो प्यारे बच्चों इसको यहाँ तक आगे हल करने की जरूरत नहीं है, आप केवल समीकरण 1 और समीकरण 2 को ही हल करके और इस तरीके से यहाँ तक ही दर्शा दें इसको हल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम करेंगे सवाल नंबर 4। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी इसी प्रकार का है। अगला जो हमारा प्रश्न नंबर अंतिम पांचवा प्रश्न है वो देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की जगह घन का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ये हमें दर्शाना है। यानी इससे पूर्व जो सवाल हमने किया था उस पूर्व सवाल में तो हमें वर्ग दर्शाना था और इस सवाल में हमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है ये दर्शाना है। किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है ये हमें दर्शाना है इसमें। तो उसी की तरह हम पूर्णांक को मानेंगे, पहले माना वह धनात्मक पूर्णांक
माना वह धनात्मक पूर्णांक, वह धनात्मक पूर्णांक। देखो यहाँ जो शब्द है किसी विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसमें ये विषम शब्द भी है यहाँ पे, तो वह विषम धनात्मक पूर्णांक, वह विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर में ए है। अब यहाँ देखो एम के आगे नौ लिखा हुआ है, तो यहाँ बी बराबर नौ है, और बी बराबर नौ एक बहुत बड़ी संख्या है नौ। तो अगर हम शेषफल के मान इसकी सहायता से देखें तो हमें शेषफल के रूप में मिलेगा जीरो से लेकर के आठ तक की संख्याएं, जीरो एक दो तीन चार पाँच छः और सात और आठ तक की संख्याएं मिलेंगी, तो काफ़ी बड़ी मान हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में आप इस मान को थोड़ा छोटा मान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो नौ के गुणज, नौ के जो गुणज होते हैं, नौ के गुणज एक तीन होता है, एक नौ होता है, तो इन गुणजों में से ये तो बड़ा मान है, इसका नौ ये है ही, तो इससे पूर्व वाला गुणज भी आप बी के रूप में ले सकते हैं, अन्यथा आप बी बराबर नौ ले करके करोगे तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल ही। तो आप बी बराबर नौ तो यहाँ लिखेंगे, परंतु बी बराबर तीन इसका प्रथम गुणज लेने पर, इसका प्रथम गुणज लेने पर, यानी हम b बराबर नौ भी ले सकते हैं और b बराबर तीन भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ आठ होती संख्या, तो आठ के गुणज हो गए दो चार और आठ, ये तो आठ से पहले वाला गुणज हम ले सकते हैं। तो ये नियम है हमारे गणित में कि यदि बड़ा पूर्णांक आ रहा है तो उसका प्रथम गुणज ले करके, और ये केवल वर्ग और घन के अंदर ही कर सकते हैं आप। अगर वर्ग और घन नहीं है तो आपको बी का मान यही लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, केवल वर्ग वाले सवाल में और घन वाले सवाल में ये विकल्प है आपको। तो बी बराबर तीन इसका प्रथम गुणज लेंगे, तो इसलिए आर बराबर आ जाएंगे अब जीरो एक दो, ये आर बराबर आ गए जीरो एक और दो। अब क्योंकि पूर्णांक हमारा विषम है ये, तो यहाँ लिखेंगे विषम होने की स्थिति में, विषम होने की स्थिति में, विषम होने की स्थिति में आर बराबर हम जो लेंगे, ये विषम नहीं है भाई, यह पूर्णांक समी है हमारा, तो बी बराबर तीन और आर बराबर आ गए हमारे, ये पूर्णांक यहाँ विषम नहीं था, केवल धनात्मक पूर्णांक ही है ये। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन हमें इस रूप में दर्शाना है, तो उस धनात्मक पूर्णांक को हमने ए मान लिया, यहाँ बी बराबर नौ था तो बी बराबर तीन इसका प्रथम गुणज हमने ले लिया, तो आर बराबर जीरो एक और दो आ गई। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखिए, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर में आ गया बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का संबंध है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें हम सबसे पहले लेंगे आर बराबर जीरो, जब आर बराबर जीरो लेंगे तो ए बराबर बी की जगह तीन रखेंगे यहाँ पे, और क्यू की जगह क्यू और आर की जगह जीरो, तो ए बराबर ये आ गया तीन क्यू, ये समीकरण नंबर एक बन गया। फिर लेंगे जब आर बराबर दो, जब आर बराबर दो लेंगे तो वो एक लेंगे, तो ए बराबर तीन क्यू प्लस एक आ गया, और ये समीकरण नंबर दो आ गया। और जब आर बराबर में हम दो लेंगे तो ए बराबर में आ गया तीन क्यू प्लस दो, और ये समीकरण नंबर तीन हो गया। तो आर के मान हमने जीरो एक और दो रखा, तो हमारा पूर्णांक आ गया एक तो तीन क्यू के रूप में, एक तीन क्यू प्लस एक के रूप में, एक तीन क्यू प्लस दो के रूप में। अब हमें इन पूर्णांकों का घन को दिखाना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक का घन करने पर, पहले सवाल में हमने वर्ग किया था, यहाँ घन करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है घन ये, अगर वर्ग लिखा है तो वर्ग करना है इन समीकरणों का, और घन लिखा है तो घन करना है, तो समीकरण एक का घन करेंगे, तो एक की घात तीन बराबर में तीन क्यू की घात तीन, तो ये हो जाएगा एक की घात तीन बराबर सत्ताईस क्यू की घात तीन, इसका घन हो गया। तो एक की घात तीन बराबर नौ कॉमन निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा जो भाजक वास्तविक भाजक है वो नौ है, तो आपको नौ निकालना, तीन कॉमन नहीं निकालना इसमें, क्योंकि नौ नौ और नौ है तो नौ ही कॉमन निकालना है यहाँ से, तो नौ कॉमन लेंगे तो ये हो गया तीन क्यू की घात तीन,
तो एक की घात 3 बराबर 9, ये भागफल बचा हमारा और ये एम के बराबर होता है। ये समीकरण नंबर 4 देंगे, यहाँ लिख देंगे चूंकि 3q की घात 3 बराबर एम हो गया। अब हम समीकरण 2 का घन करेंगे। समीकरण 2 का घन करने पर तो ये हो जाएगा 1 की घात 3 बराबर 3q प्लस 1 की घात 3। अब एक सर्व समीकरण आपने नवी कक्षा में पढ़ी होगी, a+b³ बराबर 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3a²b प्लस में 3ab²। इस सर्व समीकरण का उपयोग करना है तो 1 की घात 3 बराबर 3q³ प्लस 1 की घात 3 प्लस 3, a की जगह 3q इसका स्क्वायर और b की जगह 1 प्लस में 3, a की जगह 3q और b की जगह 1 का स्क्वायर। ये हो गया 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3a²b प्लस 3ab²। तो ये हो गया 1 की घात 3 बराबर, ये हो गया 27q³, 1 का क्यूब हो गया 1, 3q का वर्ग हो गया 9q², 9q² को 3 से गुणा करा तो 27q² और 3×3=9q हो गए ये। तो 1 की घात 3 बराबर 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q और प्लस 1 को बाद में लिखा, इन पदों में से 9 कॉमन निकालेंगे तो 1 की घात 3 बराबर 9 कॉमन निकाल लिया, 3q³, ये हो गए 3q² और ये हो गया केवल q और प्लस में 1। तो समीकरण नंबर 2 का वर्ग करने पर आ गया, देखो ये भागफल के रूप में आया हमारा, तो ये हो गया 1 की घात 3 बराबर 9 और ये भागफल एम के बराबर और प्लस 1। तो 1 की घात 3 बराबर में 9 एम और प्लस 1 और ये समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार अब आपको समीकरण 2 का घन करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 का घन करने पर, ये दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये आ जाएगा 1 की घात 3 बराबर 9m+8 और ये समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो जाएगा। अब आप लिख देंगे इसमें समीकरण 4, 5 व 6 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो प्यारे बच्चों, ये 2 सवाल हमारे जो हैं वो थोड़े से जटिल हैं, आप इन सवालों को थोड़ा बार बार रिवाइज करेंगे, रिमाइंड करेंगे, तभी बेटा समझ में आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक बार छोटे छोटे स्टेप में इनको करें और आज का आपका होमवर्क केवल इतना ही रहेगा कि आपको इन्हीं सवालों को रिवाइज करना है। कौन कौन से सवाल को? 4th सवाल को और 5वें सवाल को 1-2 बार आपको रफ्को भीमेल करना है। तो अंत में आपको सभी को योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। प्यारे बच्चों, अगर हम योग करेंगे तो हमारे शरीर में होने वाले सारे रोग मिट जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अपने दैनिक क्रियाकलाप में आप सुबह उठ करके और 10-15 मिनट की ज़रूर एक्सरसाइज करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा हमारा तो हमारा मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। इन्हीं आशाओं के साथ कि आप मेरी इन बातों का अनुसरण करेंगे, धन्यवाद। नेक्स्ट चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे आपसे।